हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक जगह ब्लॉग करने जा रहे हैं जहाँ पे आज मेरे गांव में भैया का खाद बीज का नया दुकान ओपन हो रहा है, नया शॉप ओपन हो रहा है, आज उद्घाटन है। तो आज हम वहीं पे जा रहे हैं और आज का ब्लॉग यहीं पे होगा। तो यहाँ पे खाद बीज आपको बिल्कुल उचित मूल्य पर मिलेगा, उचित दाम पर मिलेगा। और ये दुकान नौलपुर मोड़ पर है, और मतलब दरौंदा और महाराजगंज रोड के बीच में है। और ये मतलब गांव में अच्छे मतलब जगह पे हो गया, जैसे लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा, लोगों को देख के ये दुकान खुला गया। और यहां पे बेस्ट क्वालिटी का सामान मिलेगा और बिल्कुल कम दाम पे। तो आज उद्घाटन है तो वहीं पे चलते हैं, पूजा पाठ सबका वीडियो आपको दिखाएँगे और स्टॉक भी दिखाएँगे। तो शुरू करते हैं ये प्यार सब लोग बिना टाइम वेस्ट किए। सो हे गाइस, हम फाइनली दुकान के पास पहुँच चुके हैं और ये देखिए साइड में मेडिकल शॉप है और इधर हमारा खाद बीज का दुकान अब ओपन हो रहा है। और खाद बीज का दुकान देखिए, ये नौलपुर हनुमान मंदिर से एकदम पास ही में है। ये हनुमान मंदिर है आगे और ये हमारा खाद बीज का दुकान ओपन हो रहा है यहीं पे। तो हम अब आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये पूरा मतलब अभी कुर्सी लगा है और भैया अंदर जा रहे हैं, पूरा इधर खाद रखा हुआ है नीचे और साइड में भी खाद को बीज को रखा गया है। और अब हम आपको अंदर ले जाके दिखाते हैं। अभी पूजा की तैयारी चल रही है, पूजा मतलब भैया वो सब जो सामान होता है उसको रख रहे हैं एक जगह। और ये देखिए पंडित जी लोग तीन चार पाँच पंडित जी अभी पहुँच गए हैं यहाँ पे देखने लिए। और देखिए अभी सारे पंडित जी लोग कुर्ता पहन के और आए हुए हैं और बात कर रहे हैं आपस में। फिर तो अब पूजा स्टार्ट होने वाला है कुछ देर में, हम आपको वीडियो में दिखाते रहेंगे कैसे पूजा हो रहा है और क्या। और यहाँ पे मतलब बहुत ही कम दाम में, मतलब एकदम बाजार से सस्ते रेट में यहाँ पे मिलेगा सारा खाद बीज या हर चीज़। और मतलब दूर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पे पास में मिल जाएगा आपको हर चीज़। तो आगे वीडियो में दिखाएंगे कि अभी पूजा हो रहा है, आज ही उद्घाटन है और अभी मालूम चला। और अभी हम आए हैं तो आपको दिखाएंगे कि कैसे उद्घाटन होता है, क्या पूजा होता है और सब आगे दिखाते रहेंगे। सो अब फाइनली पूजा स्टार्ट हो चुका है और ये जो पूजा की विधि में सब चीज़ को एक जगह रखा जा रहा है वही अभी हो रहा है। सारे सामान को एक जगह रखा जा रहा है, मतलब जो एकदम व्यवस्था किया जा रहा है पूजा करने का। और अब देखिए ये स्वास्तिक का निशान बन रहा है काउंटर पे, मतलब स्वास्तिक बनाया जाता है, ये शुभ होता है उसको बनाया जाता है। मतलब दुकान जो भी खोलते हैं लोग, वो सारे लोग स्वास्तिक ओम ये सब बनाते हैं, ये शुभ माना जाता है दुकान की बिक्री के लिए। और भी मतलब बहुत चीज़ जो हिंदुओं में इस सब को शुभ माना जाता है, स्वास्तिक को या ओम हो गया उसको। फिर ये देखिए शुभ लाभ ओम मतलब हर चीज़ लिख दिया गया। फिर वो जो तर्जुई मशीन आता है उस पर भी लिखा गया है, वही स्वास्तिक बना हुआ है। उसके बाद ये सब अक्षत चढ़ाया जा रहा है वहाँ पे। और अब कॉपी जो डायरी होता है दुकान का, डायरी एक होता है उस पे अब देखिए ये ओम बनाया जा रहा है और स्वास्तिक भी बनेगा ही। देखिए क्या होता है, हाँ स्वास्तिक भी बन रहा है, मतलब ये शुभ होता है, ये सब बनाना शुभ होता है। ये सब पूजा विधि मतलब इधर हो जाता है, बहुत अच्छा से पूजा हो जाता है। देखिए पूरा हो गया, ये डायरी अब तर्जुई पे रख दिया गया। और पेन को भी अब देखिए क्या रक्षा बना जा रहा है पेन में। अब हम गोदाम में आ गए हैं, जो गोदाम है खाद बीज वाला वहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ पे भी स्वास्तिक बन रहा है और शुभ लाभ ओम ये सब लिखा जा रहा है। तो अभी हम गोदाम के मेन गेट पे खड़े हैं। सो और अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, जो कि कुछ लोग आए हुए हैं देखने सामान, भैया सामान दिखा रहे हैं कि ये प्रोडक्ट है।
और अभी पूजा स्टार्ट हो चुका है, मतलब फाइनली अब पूजा स्टार्ट हो चुका है। ये जो अंगूठी होता है उसे पहना जाता है, आम का पल्लो का अंगूठी बन रहा है, उनको पहन रहे हैं। और अभी पूजा मतलब शुरू हो चुका है, अब आप पूजा देखिए कुछ देर। सकल श्रुति स्मृति पुराणोक्तो अब देखिए पूजा हो गया, अब हवन होने जा रहा है और हवन दुकान के बाहर हो रहा है। भैया हवन पे बैठे हुए हैं और अभी हवन के लिए लकड़ी को जलाया जा रहा है, उसके बाद हवन हो रहा है। अब नारियल को ऊपर रखा जाता है हवन के ऊपर, वही अब होगा। मैं आपको दिखाता हूँ आगे, ये देखिए भैया नारियल को रख लिए अपने पास, अब इसको हवन के ऊपर रखा जाता है। अब देखिए कैसे मतलब पूरा धुआं धुआं नारियल को ऊपर रखने के बाद हो गया। और यही मतलब सबसे शुभ चीज़ यही है, हवन सबसे शुभ चीज़ है पूजा में। अब देखिए इधर कितना सारा लोग आ चुका है अभी पूजा के टाइम, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पूरा बाइक लगा हुआ है, इधर भी लोग हैं, उधर आगे भी लोग बैठे हुए हैं, साइड में भी लोग बैठे थे, इधर भी लोग सारे लोग बैठे हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के। ये देखिए हवन कंप्लीट हो चुका है, अब ये देखिए इधर कितने सारे लोग बैठे हुए हैं, हर लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, मतलब गांव से भी हैं, बाहर के भी लोग आए हुए हैं। अभी तो दिन में 3 बज रहे हैं, तो आधा लोग ड्यूटी पे भी हैं, इसलिए कम लोग हैं, ना तो बहुत ज़्यादा लोग अभी आपको देखने को मिलता। अब आरती स्टार्ट हो गया, दास जनों के सावे फल पावे दुख बिना से मने ताहो स्वामी दुख बिना से मने। पूजा का प्रसाद है जो कि अभी हमको मिला। तो कैसा लगा आपको आज का ये ब्लॉग, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। जैसे कि पूजा हो गया और आरती हो गया, प्रसाद भी मिल गया, मैंने प्रसाद का दिखाया था, प्रसाद भी मिल गया, और एंड करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे। और आपको खाद भी लेना हो तो यहाँ पे आ सकते हैं नौलपुर मोड़ पर, और आपको उचित दाम पर दिया जाएगा और बेस्ट क्वालिटी का खाद भी। हमको नहीं लगता कि इधर इतने अच्छे क्वालिटी का और इतने सस्ते रेट पर आपको और कहीं मिलेगा। तो एंड करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे। तो वीडियो अच्छा होगा लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। तो बाय।